नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। सुखासन पंचायत है और पंचायत का होने वाला है चुनाव, यानी कि पंचायत को मिलेगा नया मुखिया और इसी के कारण हम यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कम उम्र की शादी रोके, जीवन की बर्बादी रोके। कहने का मतलब है कि कम उम्र में अगर आपकी शादी हो जाती है, आपको इससे बढ़िया है पढ़िए लिखिए, और जो उम्र में शादी होता है उस उम्र में शादी की तो जीवन आपका खुशहाली से बीतेगा। खैर, आगे चलेंगे। देखिए, एक मचान पे है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, सब मेरा ही मुंह देख रहे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर मेरा मुंह काहे देख रहे हैं। देखिए, कुत्ता भी है, एक बच्चा कमर पे हाथ दिए हुआ है, गाड़ी लगी हुई है, और भाई साहब लोग बैठे। आप लोग यहीं के हैं क्या? यही घर है, सुखासने घर है। अच्छा, सुखासने घर। कौन पंचायत है भैया? सुखासन पंचायत। सुखासन पंचायत। क्या नाम है वो जी? आगे आओ, बड़ा तुम हंस रहे हो। क्या नाम है? मोहम्मद निषाद। मोहम्मद निषाद। निषाद पढ़ते हो जी? स्कूल कहाँ गए आज तुम? स्कूल छुट्टी है आज। कौन सी का छुट्टी है स्कूल में? बंद है। बंद? झूठ बोलते हो? नहीं नहीं। देखिए, को दांतों टूटल है कर। चलिए, भाई साहब है, मोबाइल चला रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कुछ ही चला रहे हैं भैया? ऐसे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? कुछ से कुछ। कुछ से कुछ का मतलब क्या होता है? मतलब पंचायत का चुनाव का समय है, देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, नहीं अच्छा, हो रहा अच्छा, जानकारी ले रहे हैं। जानकारी ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD मोहम्मद मुख्तार है। अरे, हमसे बात कर रहे हैं तो मोबाइल बंद कर दीजिए, फिर बात चलाते रहिएगा। क्या नाम बताए? मोहम्मद मुख्तार आलम। मुख्तार आलम जी। अच्छा अच्छा, दाढ़ी ताड़ी बना के आए हैं, देख रहे हैं पूरा बाल तल चेहरा पे लगा। ऐसे गए थे क्षेत्र में से घूम के आए हैं। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? पंचायत चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है इधर का? पंचायत चुनाव हो रहा है तो हम भी प्रत्याशी हैं। आप भी प्रत्याशी हैं जी? कुंची से, कौन पद से लड़ रहे हैं? सरपंच पद का प्रत्याशी हैं। अच्छा जी। सर यानी कि जो पंचायती वगैरह करता है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, काहे भैया काहे चुनाव, काहे आपको क्या लगा कि पंचायती चुनाव, ये हम सरपंच का पद से लड़े चुनाव? सरपंच का चुनाव हम अगला बार भी लड़े थे। अच्छा, समाज जो है हमको बहुत बढ़िया जो है फैसला दिया, और मैंने बहुत कम वोट से पीछे हो गए थे। कितना वोट से हार गए थे? मात्र 22 वोट से हम पीछे हो गए थे। बड़ा तकलीफ हुआ होगा जी? तकलीफ नहीं होता है, जो आदमी संघर्ष में रहता है उसको कभी तकलीफ नहीं होता है। अच्छा, संघर्ष में रहने वाला आदमी को आज तक तकलीफ नहीं हुआ है। और जीतने के लिए जो आदमी ख्वाहिश करता है वो जो है कभी तकलीफ नहीं मानता है। अच्छा अच्छा, मतलब अगले बार भी आप चुनाव लड़े, लेकिन 22 वोट से हार गए, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है इस बार आपका? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और जो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता बहुत अच्छा आश्वासन दे रहा है। जनता जो है कह रहा है नहीं, उम्मीदवार जो है ऐसा चाहिए हमारे पंचायत में। आपके तरह जी? अच्छा, युवा हैं, काम करेंगे, कोई भी समस्या होगा उसका समाधान समाज में बैठ के निपटारा किया जाएगा। अच्छा, अच्छा। कोई थाना पुलिस नहीं, कोई तरह का, मतलब अपने स्तर से आप करेंगे, अपने स्तर से करेंगे। अच्छा, अच्छा। और जो है कोई जो है समस्या का उत्पन्न नहीं होने देंगे समाज में। सरपंच साहब का जो काम है, अगर जनता हमको सेवा का मौका देगा तो सेवा करके दिखाएंगे जनता में कि सेवा क्या होता है। कैसा सेवा करेंगे बताइएगा, तब ना लोग जानेगा कैसा सेवा होगा, बताइए। सेवा जैसा जो है हमको मिलेगा मौका तो ग्राम कचहरी का जो काम है उस काम को हम देखेंगे। अच्छा। और समस्या का समाधान करेंगे, समस्या का समाधान करते रहेंगे, और ऐसे भी हमको जहाँ तक होता है समस्या का समाधान करते ही रहते हैं, 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो। अच्छा। जिस टाइम जो आदमी हमको कॉल करता है उसके पास हम पहुँचते हैं, उसका समस्या का समाधान करते हैं, समस्या का समाधान देखते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब नहीं है कुछ फिर भी करते हैं। है कुछ फिर भी करते इस बार तो लड़ रहे हैं, तैयार हैं। नहीं तो हमको क्या जरूरत है पंचायत में सरपंच से चुनाव लड़ने का? बहुत ऐसा पद था हम चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सरपंच से लड़ने का मकसद है कि लोग को जो न्याय मिले। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं आप? पढ़ाई लिखाई जो बहुत कम किए हुए हैं। कम किए हैं? मैट्रिक किए हुए। मैट्रिक? कैसे पंचायती कीजिएगा? मैट्रिक पास आदमी कैसे पंचायती करेगा? कैसे करता? अपने जो अंदाज से करेंगे पंचायत। कौन अंदाज होगा बताइए ना, अंदाज बताइए अपना। अंदाज जो होता है पंचायत का, समस्या को समाधान करेंगे, जिसका जो है जो चीज देखेंगे उसका उस तरह से निपटारा करेंगे। निपटारा करेंगे जी। हम न्याय का जो है फैसला के लिए तैयार हुए हैं, न्याय का फैसला करेंगे और न्याय दिलाएंगे लोगों को जी। पक्का? पक्का, वादा है मेरा। वादा है जी। और क्या वादा है? बस जो सरकारी लाभ होगा
समाज को वो हम देना चाहेंगे। अच्छा, और हमको लाभ से कोई ये नहीं है, मतलब समाज का जो लाभ आएगा वो समाज को मिलेगा। अच्छा, आइए बताइए भैया, क्या जो पंचायत में जो आपका घर है, पंचायत के लोगों से क्या कहेंगे? पंचायत का लोग को हम यही कहते हैं कि हम अगला बार भी चुनाव लड़े, हम बहुत कम वोट से पीछे हो गए, समाज जो है या जनता जो है सुखासन का क्षेत्र संख्या 6 का जो महान जनता है उससे मेरा आग्रह है, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग हमको जगह पे पहुंचाए और आपका सेवा करेंगे, और सेवा ऐसा करेंगे जो नौकर एक सेवा नहीं किया होगा उससे बढ़ के हम सेवा करेंगे। और जो है जनप्रतिनिधि कोई भी होता है तो वो जो पब्लिक का सेवक होता है, नौकर होता है, लेकिन अभी के समय में कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो मालिक हो जाता है जनता का। लेकिन मुख्तार सब दिन जो है सबका गोर लग के आशीर्वाद लिया है और जीतने के बाद भी गोर लग के आशीर्वाद लेता रहेगा और जनता का जो है काम करता रहेगा और जनता के आगे जाते रहेंगे। जनता आशीर्वाद दे के अगर हमको जो है जगह पे पकड़ाएगा तो जनता को दिखा देंगे कि सरपंच क्या चीज होता है। चलिए, क्या नाम बताए भैया? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है, सुखासन मेरा घर वार्ड नंबर 12। चलिए चलिए, मुख्तार जी, मुख्तार जी से बात कर रहे थे इस बार जो है सुखासन पंचायत से। कौन पद से लड़ रहे हैं भैया? सरपंच पद। सरपंच पद से लड़ रहे हैं। आपको बता दें सरपंच का वही काम होता है जैसे गांव में मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीनी विवाद हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा ऐसा होता है तो सरपंच को फोन जाता है, सरपंच जी कहाँ है, मेरा पंचायत कर दिया। अब सरपंच जी जाते हैं, कुर्सी लगेगा, गाँव का लोग आएगा, वहाँ बैठेगा, पंचायत होता है, यही काम होता है ना भैया? जी जी, यही काम, और क्या होगा? तो यही काम होता है, उसी पद से लड़ रहे हैं चुनाव। अगले बार भी चुनाव लड़े थे, 22 वोट से हार गए थे, 22 वोट से हार गए थे, और इस बार भी फिर भी चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या कुछ होता है, कैसा कुछ रहेगा इनका, इनके साथ क्या जनता का कैसा रुझान रहेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। खबर आपको कैसा लगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।